हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त होने वाला है। तो मेरा नाम है जीत और आप देख रहे हैं जी सिटी ब्लॉग। तो दोस्तों, आज बता दें कि आज हम आए थे मॉर्निंग में थोड़ा बहुत टहलने के लिए। मॉर्निंग नहीं कहेंगे, 9:30 बज गया था तो हम आए थे। और आने के बाद जो है कि कोई ऐसा मतलब पास के लोग भी नहीं दिख रहे थे। तो आप लोग बताइए जरूर कि आप लोग के पास मतलब गाँव में ठंड है कि नहीं। इधर तो अभी बहुत है, 12-1 बजे तक संभावना है धूप निकलने का, लेकिन देखते हैं कब तक निकलता है। अभी तो चारों तरफ कुहेसा पड़ा हुआ है, धुंध पड़ा हुआ है, जिसको फॉग बोलते हैं इंग्लिश में। और इधर मौसम भी गड़बड़ है। तो आज कल ऐसे ब्लॉग चलेगा। और कल सोमवार है, कल मेरा छुट्टी रहता है, ऑफ रहता है, वीकली ऑफ। तो कल जाएंगे कहीं बढ़िया जगह ब्लॉग करने के लिए। तो कल वाला ब्लॉग आप लोग मिस मत करिएगा, कल ब्लॉग बहुत बढ़िया होगा, कल ब्लॉग अपलोड करेंगे बहुत बढ़िया। तो मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में आया और चाय ना पिए तो क्या फ़ायदा हुआ। मॉर्निंग आने का थोड़ा बहुत चाय मिल जाए तो और मज़ा आ जाता है। तो चलो चाय पीते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, पता क्या हुआ, जैसे मैंने चाय पीने गया, अब चाय पीने के लिए तो चाय तो ले लिया, आप लोग देख सकते हो वीडियो, चाय ले लिया। अब मेरा ध्यान गया अचानक मोबाइल पे, नेट चालू किया तो कल का ही मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया। तो अभी मेरे चार्ज कराया नहीं था, मेरे पास कैश भी नहीं था। तो मैं ये शुक्र मनाऊँ कि चाय जूठा नहीं किया था, अभी चाय को बस ले लिया हुआ था पीने के लिए, जूठा नहीं किया था। बस पता चला कि यार मेरे में तो नेट भी नहीं है और फ़ोनपे से कैसे करेंगे पैसे, और मेरे पास कैश भी नहीं है। तो हम उसको वापस हम बोले हैं कि या ऐसा कर रख दो इसको, हम एक लोग और लेकर आ रहे हैं, क्या करें, जल्द बजाना होता है ना। तो पता है मैं गया रूम पर, और रूम पर जाने के बाद जो मेरे रूम के नीचे लोग रहते हैं उनसे मैंने वाईफाई लिया और अपना मोबाइल रिचार्ज किया। मोबाइल रिचार्ज करने के बाद फिर मैंने आया तो आया, थोड़ा मेरा मोबाइल भी चार्ज हो गया। इसके बाद फिर वापस आया चाय की दुकान पर, देखो चाय ले लिए हैं और चाय पी रहे हैं। आप फिर नहा धोवा करके आए, आप लोगों को दिख रहा होगा बालों से झाड़ लिए हैं। अब क्या है कि यार हम कहें क्या सोचेंगे चाय वाले अंकल, चलो चलते हैं चाय पी लेते हैं। और ये रहा, फाइनली अब चाय पी रहे हैं और नहा हुआ करके आ गए हैं।